अल्लाह बरकातहू। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और हमारे साहिल लोकल ग्रुप में आपको खैर मकदम है। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हमारे हसीब भाई, जो उनके भी फॉलोवर्स काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह करम है, करीना की तादाद है कि इनके भी 10,000 फॉलोवर्स कम्प्लीट है। तो आज हम लोग आपको यहाँ का माहौल दिखाएंगे कि आज 1 जनवरी को यहाँ का क्या माहौल था, क्या रहेगा, और यहाँ पर दरगाह शरीफ में रिपेंट बहुत सारी काम चल रही है, और 8 जनवरी को यहाँ झंडा चढ़ जाएगा और गरीब नवाज का उस आगाज हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला हमारे हसीब भाई हैं हमारे साथ जुड़े हुए, ये भी बताएंगे आपको उसके बारे में। हेलो एवरीवन, तो आज बताइए सुनिए, तो मैं ज़्यादा टाइम लेके भी नहीं, मैं आपको यहाँ से हर चीज़ बताऊँगा मैं आपको। जैसे कि आज जनवरी की पहली तारीख है और इस तारीख में कल रात में बहुत ज़्यादा काफ़ी परेशान हूँ कल रात से, और मैं आज मैं दिखाऊँगा यहाँ पर क्या क्या होने वाला है और क्या है, कितना काफ़ी सारा भीड़ यहाँ पर। और ये जो देख रहे हैं आप, ये मेहमान खाना है, ये यहाँ पर ये महफिल खाना है, और ये इस वक्त यहाँ पर जो है 8 से 1 बजे तक के बीच में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ये जो महफिल खाना है, कैमरा दिखाओ सर, ये जो महफिल खाना है यहाँ पर बच्चे 8 से 1 बजे तक पढ़ाई करते हैं, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो अब हम आपको यहाँ से कवर करते हुए वहाँ डेक की तरफ लेके चलेंगे और वहाँ से जन्नती गेट की तरफ भी लेके चलेंगे, जैसे कि आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें और हमारे कैमरा में माशाल्लाह। ये देखिए रिपेंट का काम चल रहा है यहाँ पर दरगाह शरीफ में, और उसकी आगाज़ हो चुकी है और यहाँ काम भी चल रहा है। और ये जो अपना महफिल खाना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी अभी काम बाकी है, और आगे इंशाल्लाह ताला मैं चलता हूँ और आपको आगे दिखाता हूँ और क्या होगा। हाँ अरे भाई, अभी ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, अभी मेरे को फोन मत करो, बार बार ब्लॉग बना रहा हूँ, बाद में तो फोन रखा आपको मैं दिखाता हूँ, देख के बारे में बताऊंगा आपको, हर चीज़ बताऊंगा। आइए मेरे पीछे, यहाँ पे हमेशा का देख पूरी तरीके से देखा, ठीक है चलो। जैसे कि आप अभी देखें, आप देख और आप देख तो लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा ये देख किसने बनाया है, ये बनाया है अच्छा ने, फिर से बोला ये डेक बनाया बादशाह शाहजहाँ ने, जो जब यहाँ पे आए थे तो एक निशानी के तौर पे एक निशानी देख को छोड़ के गए हैं। चलिए आप मैं अब दो छोटे देख है उसको मैं दिखाता हूँ और इसके बारे में साहिल भाई बताएंगे। चलते हैं हम छोटे डेक की तरफ और आपको उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर बहुत जगह पर रिपेंट का काम हो रहा है दरगाह शरीफ में, बहुत सी जगहों पे कलर का काम भी हो रहा है। और हम अब चलते हैं छोटी डेक की तरफ और बताते हैं आपको इसके बारे में। तो ये देखिए गाइस, ये है छोटी डेग, यही है छोटी डेग, और यहाँ से इसी में लंगर बनता है रोज़ रात शाम में। तो ये हमारे अकबर बादशाह ने बनवाई थी, और यहाँ पर रोज़ शाम में 8 बजे 12 बजे के बाद इसमें लंगर फ्री बनता है, जो सुबह फजर की नमाज के बाद तकसीम होता है। अब चलते हैं हम जन्नती दरवाजे की तरफ और हमारे कैमरामैन हसीब भाई बताएंगे हमारे को कि उधर क्या चल रहा है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, देख सकते हैं ये लोग पेंट कर रहे हैं। तो भाई आपको दरगाह शरीफ में पेंट करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या भजन? देवराज। देवराज आपको कहाँ से भजन? आप कहाँ से बिलिंग करते हैं? अटुंडी। चलो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि दरगाह शरीफ में गरीब नवाज के आस्थाने पर इन्हें सफाई करने का मौका मिला है। अल्लाह तआला से दुआ है कि हम लोग को भी हमेशा इसी तरीके से मौका मिले। चलिए ठीक भाई, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको दरगाह में ब्लॉग बनाने? माशाल्लाह बहुत ही खुशी हो रही है कि आप लोग को मैं जानकारी दे रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरह से क्या होता है और क्या मामला होता है इंसान के साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि हसीब भाई जो हमारे हैं, हसीब भाई को बहुत अच्छा लग रहा है ब्लॉग बना के। तो अब चलते हैं आगे और बातें करते हैं आपसे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग अपने चैनल पर अपलोड करने जा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि जब मैं पहली बार आया था मेरे यहाँ से पर्स चोरी हो गया था, तो गरीब नवाज का करम है क्या उससे भी ज़्यादा मिल गया, और ये चौथी मरतबा मुझे बुलाया गरीब नवाज अपने आस्थाने। चलो अब आगे मिलते हैं। गाइस देखो आप, हम अभी शाहजहानी मस्जिद में मौजूद हैं। देखो गुम्बद शरीफ मेरे सरकार का कितना प्यारा है और कितना शानदार चमक रहा है, क्योंकि इस पर भी रिपेंट हुआ है। और कैमरामैन पूरा मस्जिद दिखाओ, घुमाओ पूरा मस्जिद। और ये शाहजहानी मस्जिद पे इस वक्त हम खड़े हैं, और गुम्बद शरीफ की ज़्यादा करवाओ पब्लिक को, और पूरा शाहजहानी मस्जिद घुमाओ।
देखिए गाइस यहाँ पर जो लोग वाग आते हैं और आके यहाँ कुरान शरीफ पढ़ते हैं, आके यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा सुकून और अदब से यहाँ पर बैठते हैं और इनको बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सुभान देख सकते हैं। तो काफ़ी दूर से आते बंदे लोग, देखिए मेरे सरकार और गुम्मत कितना शानदार चमक रहा है। तो गाइस अब हम चलते हैं इस गुम्मत से नीचे होते हुए, हम चलते हैं अब जन्नती गेट की तरफ और वहाँ जाके और हम हसीब भाई से बात करते हैं वहाँ पर जाके। हम लोग जा रहे हैं जन्नती गेट की तरफ, ये देखिए यहाँ पर, और आज नए साल के मौके पर बहुत सारी पब्लिक है, बहुत ही भीड़ है, और चलते हैं जन्नती गेट की तरफ, वहाँ चल के आपसे बातें करते हैं। और हम आ गए हैं गाइस, ये जन्नती गेट है जो 1 रजब से 8 रजब के बीच तक खोला जाता है इसको, और अभी तो 1 जनवरी है, आज से 7 दिन और बाकी हैं उर्स के। और चलते हैं आगे और बताते हैं आपको चल के, और कव्वाली भी हो रही है, कव्वाली भी दिखाएंगे आपको, और कुछ बहुत सारी देख सकते हैं। यहाँ से पब्लिक दरगाह शरीफ ज़्यादा करने जाती है क्योंकि अभी 3 बजे का टाइम है, तो अभी खिदमत हो रही है अंदर गरीब नवाज के आस्थाने में, तो इस वजह से गेट बंद है, तो हम अंदर नहीं दिखा सकते आपको। तो यहाँ पर कव्वाली हो रही है तो मैं आपको कव्वाली दिखाता हूँ, चले कव्वाली किस जगह हो रही है मैं आपको वो दिखाता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद गाइस बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है मुझे। देखें अब हम आ चुके हैं यहाँ पर, कव्वाली हो रही है, और देखें यहाँ पर कितनी पब्लिक है और नए साल के मौके पर, और सजावट का काम भी देखो काफ़ी सारा चालू हो गया माशाल्लाह मेरे सरकार का। ये देखें अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है सरकार रही नवाज की। देखें अब चलते हैं आस्थाने की तरफ और वहाँ की पब्लिक देखते हैं आस्थाने की तरफ। आस्थाने की तरफ और आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या मंजर है। यह आस्थाने की देखो गाइस सारा शरीफ, और यहाँ पर देखिए पब्लिक की लाइन लगी हुई है अंदर अंदर जाने का, गुरु का आस्थाने के अंदर जाने का। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, अभी तो कम है, शाम तक बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ये जगह पर लेडीज़ के लिए दी गई है नमाज़ पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए यहाँ लेडीज़ आती है नमाज़ पढ़ती हैं, चारों तरफ लेडीज़ों का इलाका पूरा, यहाँ लेडीज़ नमाज़ पढ़ती हैं। यह आस्थाने की मेरी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लंगर खाना, और अगर आप लोग 2 बजे आएँ 3 बजे तो यहाँ पर आप लंगर आपको मिल सकते हैं। देखो अंदर
देख सकते हैं यहाँ अंदर लंगर चल रहा है माशाल्लाह। और यहाँ पर अगर किसी को हिस्सा लेना है तो इंशाल्लाह ताला यहाँ आएँ और यहाँ के खादिमान से बात करें तो वो आपको यहाँ पर लंगर के लिए इजाज़त दे सकते हैं और आपकी लंगर यहाँ बनवा के पब्लिक में तकसीम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे हसीब भाई की तरफ, वो हमें ख्वाजा गरीब नवाज़ के बेटों के बारे में कुछ बताने वाले हैं, तो हम उनसे पूछते हैं क्या बता रहे हैं हसीब भाई की तरफ। तो जैसे कि आपको साहिल भाई बताएं आपको हर चीज़ लंगर के बारे में, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं बहुत सारे, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि गरीब नवाज के कितने साहबजादे हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको, उनके दो साहबजादे हैं जो एक यहाँ पे हैं, तो उनको मजाक की पे मैं दिखाता हूँ जूम करके, कैमरा मैन मजाक देखें। तो ये मजाक शरीफ है गरीब नवाज के, बस जस्ट पीछे ही है। और दूसरी जो है, और इनके दूसरे साहबजादे के नाम और इसके दूसरे साहबजादे हैं सलवार शरीफ में, जहाँ के आप लोग को मैं कुछ दिन उसका ही दिखाऊंगा आप लोग को, ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। चलिए आगे पर यहाँ पर अगर आप आए दरगाह शरीफ में तो यहाँ पर आके यहाँ वजू बना लें, देखिए माशाल्लाह ज़रूर बनाएगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा। और चलते हैं अब आगे, यहाँ पर भी देखें ये फूल का है और काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा है यहाँ पर आने के। मैंने और आसिफ भाई ने, हमारे हम दोनों ने दिखाया, और आप लोगों को कैसी वीडियो लगी हो तो आप लोग पसंद करना, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट फॉलो ज़रूर करना। और आसिफ भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग कमेंट करें, इससे भी बेहतर मैं वीडियो बना के दूंगा। और इंशाल्लाह अगली बार की जो वीडियो बनेगी तो मैं बताऊंगा आपको अजमेर शरीफ के अंदर कहाँ पे कब्रिस्तान है, आप लोग आते रहेंगे, आप लोग को पता नहीं है यहाँ पे कब्रिस्तान कहाँ पे, मैं हर चीज़ बताऊंगा इंशाल्लाह, आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए। चलिए फिर अगली और हमारा हसीब भाई का, और हमारा ये पहला ब्लॉग है हसीब भाई का हमारे चैनल में, और काफ़ी टाइम भी हो गया, तो जब तक के लिए हमारी वीडियो देखते रहे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दूसरे ब्लॉग के लिए।